हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कच्चे आलू और ब्रेड से सुपर टेस्टी नाश्ता। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ब्रेड रोल तो आपने बहुत खाया होगा, बट इस तरीके से आपने पकौड़ी नहीं बनाई होगी। तो चलिए फिर आज हम ब्रेड की पकौड़ी बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता होता है और फटाफट से बनकर रेडी भी हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक प्लेट, इसमें हम पानी डालेंगे। अब हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं, छोटा या बड़ा। अब हम इस तरीके से पानी में डिप करेंगे दोनों साइड से। आप देख सकते हैं ये बहुत ही जल्दी से पानी को सोख लेता है और ये टूटने लगता है। तो उसे टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम इस तरीके से हाथ से प्रेस करते जाएंगे और सारे पानी को निचोड़ देंगे। इसे हमें तोड़ कर ही लेना है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए हमने सारे पानी को निचोड़ दिया है। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में करके इस तरीके से हम एक बाउल में डालते जाएंगे। सारे ब्रेड को इसी तरीके से हम भिगोएंगे और उसके पानी को निचोड़ निचोड़ कर बाउल में डालते जाएंगे। जितना आपको बनाना हो उतना आप ले लीजिएगा। हमने पानी चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पर ले लिए हैं मीडियम साइज़ के 3 आलू कच्चे। इसे हमने छील लिया है और वॉश कर लिया है। अब हम इस तरीके से कद्दूकस करेंगे आलूओं को। इसे बनाना बहुत आसान है। फटाफट से जब भी कुछ खाने का मन हो, सुबह हो या शाम, आपका कुछ चटपटा सा खाने का मन हो, तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये और बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची बन करके ये रेडी होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम पानी और ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। इसे हाथ से प्रेस करेंगे, पानी इसका सारा निकाल देंगे। इसे भी हम ब्रेड वाले बाउल में डालेंगे। सारे आलू को इसी तरीके से हम छान कर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सारे आलू को छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर हमने एक बारीक हरी मिर्ची को कट करके ले लिया है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं बारीक कद्दूकस करके अदरक, हरा धनिया पत्ता, बारीक कटा हुआ प्याज, नींबू का रस, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर, ये लगभग एक बड़े चम्मच के करीब है। इसे भी हमने डाल दिया है। अब हमने यहाँ पर लिया है आधा छोटी चम्मच अजवाइन। इसे हथेली पर रखेंगे, इस तरीके से क्रस करके डालेंगे। कुटी हुई काली मिर्च, यहाँ पर हम लिए हैं बेसन 1 कप के करीब, इसे हम डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो बाद में आप पानी ऐड करिएगा, पहले स्टार्टिंग में इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया है, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपको लगे ये ड्राई ड्राई सा है, पानी कम है, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने साइड में रख दिया है ऑयल, ऑयल गर्म हो रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा पैन को हम हिला देंगे ताकि हमारी पकौड़ी तलते समय यह चिपकेगी नहीं इससे। तो अब हम पकौड़ी को बनाएंगे। आप चाहे तो पकौड़ी को गोल गोल शेप में बना सकते हैं या फिर आप ओवल शेप में भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से ओवल शेप में इसे बनाया है। अब हम इस तरीके से सारे पकौड़े को डालते जाएंगे ऑयल में। जितना एक बार में आए उतना आप बनाते जाइए और डालते जाइए। इस तरीके से हमने यहाँ पर इतना बना करके डाल दिया है, एक बार में जितना आया है। अब हम इसे एक साइड से सिकने के बाद दूसरी साइड से भी पलट देंगे। इन्हें हम चारों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन
होने तक, ताकि अच्छे से गोल्डन हो जाए। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तलना है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं तलना है। हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ये जो है क्रिस्पी नहीं बनेगा, तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलें, ताकि आलू भी हमने इसमें कच्चा यूज़ किया है तो मीडियम फ्लेम पर तलने से आलू भी अच्छे से पक जाएंगे और ये पकौड़ी भी एकदम क्रिस्पी सा बन करके रेडी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसके साथ हरी मिर्ची भी तल लिया है और ये पकौड़े भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे इस तरीके से। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे हरी चटनी, सॉस, हरी मिर्ची के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियो को ईजिली देख सकें और इन्जॉय कर सकें। हम इस चैनल पर बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों तक शेयर करते हैं ताकि आप लोग इसे बना सकें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बनाइए, खाइए, इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।